Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. So, our next topic is Kerala. So, Kerala is very beautiful city, very beautiful state. बहुत ही सुंदर state है यहाँ. बहुत ही ज़्यादा greenery है. It is one of the largest producer in the India जो कि मसाले बहुत ज़्यादा use करता है. और यहाँ पे अगर आप जाओ तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है यहाँ ये जो है ना ये सबसे खूबसूरत शहर है इंडिया का. सो आइए चलिए समझते हैं कि इसका कल्चर, इसका जो ट्रेडिशन है उसमें कैसे चेंजेस आए इसके ज्योग्राफिकल और हिस्ट्री की वजह से, हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से. सो स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी हैव केरला. सो केरला इज अ स्टेट इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे है. जो हमारा सदर्न पार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है ना. एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से ये केरला है आपका, ये वाला पार्ट. ओके, दिस इज योर केरला जो कि सदर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का. सदर्न वेस्ट पार्ट है, साउथ वेस्ट पार्ट है इंडिया का. केरला इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन अदर. तो इस साइड में इसके वेस्टर्न साइड में क्या है, वॉटर है. एंड इसके ईस्टर्न साइड पे हिल है. सो यहाँ पे दोनों चीजें आपको मिलेगी, वॉटर भी मिलेगा, हिल भी मिलेगा, और बीच में प्लेन सर्फेस मिलेगी, प्लेन एरियाज मिलेंगे. अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव, कार्डमम आर ग्रोन ऑन द हिल्स. तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस मिलते हैं आपको मसालों में, जैसे कि आपको मिर्च मिल जाएगी, लौंग मिलेगी, इलायची मिलेगी. तो ये सारी चीजें यहाँ पे उगाई जाती हैं. यहाँ पे एग्रीकल्चर बड़े अच्छे से होता है क्योंकि वाटर की जो सप्लाई है यहाँ पे ज्यादा अच्छी है. नेक्स्ट देखते हैं, Jewish and Arab traders were the first to come here. यहाँ पे हमारे साउथ वेस्ट इंडिया में Jewish people जो क्रिस्टानिटी क्रिश्चियन लोग होते हैं वो, और अरब के लोग इस्लामिक पीपल यहाँ पे सबसे पहले आए थे. वन मोर थिंग, आपने जब लद्दाख पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अरब के लोग आ रहे थे हमारे वेस्ट एशिया से, नॉर्थ वेस्ट एशिया से. यहाँ पे भी अरब के लोग आए हैं. सो इट मीन्स कि यहाँ पे भी इस्लामिक पॉपुलेशन थोड़ी ना थोड़ी आबादी होगी. सो ये दो चीजें आप याद रखिएगा, ये दो लिंकेज आपको याद रखना. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एपिस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड to have come here nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India. So apostle क्या होते हैं, saints होते हैं. तो जो कि क्रिस्ट के अनुयायी होते हैं, क्रिस्ट के मतलब जो हमारे जीसस क्राइस्ट है, सो उनके वो बिल्कुल चहीते लोग जिसको आप कह सकते हो. तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग वो लोग थे जो कि क्रिस्ट के मरने के बाद उन्होंने क्या किया, उनकी जो नीतियां थी, जो क्रिश्चियनिटी थी, उसको पूरे सभी विश्व में फैलाना चाहते थे. तो हमारे जो एपोस्टल है सेंट थॉमस, वो इंडिया आए आज से 2000 साल पहले और वही इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी लेके आए थे. सो ब्रिटिश वर नॉट द पीपल जो कि अपने साथ क्रिश्चियनिटी लाए थे. क्रिश्चियनिटी इंडिया में 2000 साल पहले आ चुकी थी. ठीक है, तो याद रहेगा कि आज से 2000 साल पहले एपिस्टल ऑफ क्रिस्ट आए थे जिनका नाम था सेंट थॉमस, और उन्होंने इंडिया में क्रिस्टियनिटी की नींव रखी थी. और कहां आए थे वो, केरला के अंदर. नेक्स्ट देखते हैं, मेनी अरब ट्रेडर ऑल्सो केम एंड सेटल्ड डाउन हियर. यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे अरब ट्रेडर्स भी आए और यहीं पे आके बस गए. इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700 इयर्स अगो रोट अ ट्रेवल लॉग इन व्हिच ही डिस्क्राइब्स द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स एंड से दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी. सो इब्न बतूता यहाँ पे आए, हमारे केरला में आए, और उन्होंने ट्रेवल लॉग लिखी, यात्रा वृतांत लिखी, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि यहाँ के मुस्लिमों की लाइफ कैसी है, कैसी जिंदगी जी रहे हैं. जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी है केरला में, वो कैसे बहुत ही ज्यादा हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी मानी जाती थी. तो उनके ट्रेवल लॉग से मुस्लिम की लाइफ के बारे में पता चलता है, मुस्लिम कम्युनिटी को क्या दर्जा थी हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर, वो बताया गया है. नेक्स्ट देखिए, द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर. सो पोर्टुगीज जो थे वो पहले यूरोपियंस थे जो इंडिया आए, और उन्होंने सबसे पहला कदम हमारे केरला के अंदर ही रखा था. और पहला जो पोर्टुगीज था जो कि इंडिया के अंदर आया था, जिसने अपनी शिप इंडिया के अंदर लैंड करवाई थी, इंडिया के हार्बर पे रोकी थी, ही वाज नेम्ड एज वास्को डी गामा.
और वो एक पोर्टुगीज थे. ओके, नेक्स्ट देखिए, पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जूडिज्म, क्रिस्टियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म. सो डिफरेंट डिफरेंट आप क्या देखोगे, रिलीजन देखोगे हमारे हमारे केरला के अंदर. यहाँ पे जो लोग हैं वो इस्लाम भी फॉलो करेंगे, आपके हिंदुइज्म भी फॉलो करेंगे एंड बुद्धिज्म भी फॉलो करेंगे. आप देखो क्या होते हैं ना कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो मॉन्क्स होते हैं, ठीक है, संत लोग होते हैं और वो लोग कभी भी इंजर्ड ठहरते नहीं है. तो वो लोग इंडिया के सभी पार्ट्स में गए और इवन केरला में भी गए थे. अभी आप थोड़ी देर बाद और देखोगे कि कैसे चाइनीज ट्रेवलर भी यहाँ पे आए थे जिन्होंने यहाँ पे बुद्धिज्म का प्रचार किया था. नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे इस जगह के, इस हमारे केरला के एग्रीकल्चर के बारे में. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रो राइस. सो यहाँ पे क्योंकि जो लैंड है वो काफी फर्टाइल है, उर्वरक है, उर्वरक शक्ति ज्यादा है और यहाँ की क्लाइमेट क्या है, अच्छी है, बारिश बहुत टाइम तक होती है यहाँ पे, बहुत महीनों तक होती है, जिसकी वजह से राइस की कल्टीवेशन यहाँ पे अच्छी तरीके से की जाती है. ऑल्सो द फिशिंग नेट्स यूज हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला. सो वॉट इज हैपनिंग हियर कि जो यहाँ के जो नेट्स आप देखोगे तो वो बिल्कुल ऐसे बनाई जाती है जैसे चाइनीज नेट्स बनाई जाती है. जो चाइना में नेट्स यूज होती है सेम वैसे नेट्स केरलन बनाते हैं, केरलन मछुआरे मछली पकड़ने के लिए बनाते हैं और उन नेट्स का नाम है चीना वाला. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इवन द यूटेंसिल्स यूज फॉर फायर फ्राइंग, इवन द यूटेंसिल्स यूज फॉर frying is called china chatti and it is believed that the word china could have come from china. so yahan pe hame china ke sath link dikh raha hai, koi aisa taar dikh raha hai kyunki pehli baat to china wala kisse ye log kya kare, china wala ek net hai jo ki chinese नेट से मिलता जुलता है. दूसरी चीज यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये लोग जो फ्राई करने के लिए पैन यूज करते हैं उसका नाम ये चीना चट्टी बुलाते हैं और चीना चट्टी जो है, जो चीना चट्टी का चीन है वो चाइनीज वर्ड से इंस्पायर्ड है. तो कोई ना कोई लिंक तो जरूर है चाइना के साथ. और चाइना के लोग क्या फॉलो करते हैं ज्यादा, बुद्धिस्ट. तो बुद्धिस्ट पीपल शायद हो सकता है चाइनीज लोग यहाँ पे आए और उन्होंने बुद्धिज्म का यहाँ प्रचार किया हो. नेक्स्ट देखिए, द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रो राइस एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल. तो यहाँ का जो फूड है, जो मेन फूड होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा राइस, फिश एंड वेजिटेबल. तो ये तीन चीजें केरलन पीपल खाते हैं ज्यादा. आपने देखा होगा राइस की बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी चीजें जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, उत्तपम, ये सारी चीजें ना राइस से बनी होती है. इन चीजों का ज्यादा यूज हमारे साउथ इंडियन पीपल करते हैं. सो हमने यहाँ पे क्या देखा, दो चीजें देखा. एक तो ये देखा कि यहाँ पे अरब पीपल है, अरब पीपल हमारे लद्दाख में भी आए थे, दोनों ही जगह मुस्लिम पॉपुलेशन है. हमने ये देखा कि दोनों ही चाइनीज से ट्रीट कर रहे, चाइनीज से इनका गहरा रिश्ता दिख रहा है. लद्दाख में कैसे, तिब्बत के सहारे ये लोग क्या कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे और उसी तिब्बत से चाइनीज पीपल लद्दाख आए होंगे. और यहाँ पे जो यूज हो रहा है चीजों का, यूटेंसिल्स का, नेट्स का, वो चाइना से कुछ रिलेशन हमें शो कर रहा है. तो यहाँ पे जो हिस्टोरिकल फीचर्स है हमें थोड़े थोड़े सिमिलर लग रहे हैं. ज्योग्राफी में हमें वेरिएशन दिख रहा है बट जो हमारा हिस्टोरिकल फीचर है वो कहीं ना कहीं सेम लग रहा है. और इस वजह से कुछ ना कुछ कल्चरल जो बैकग्राउंड है, जो कल्चर है वो हमें सिमिलर देखने को मिल सकता है इन दो जगहों में. सो इन्हीं सिमिलैरिटीज, इन्हीं डिफरेंसेस के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस. बाय.